प्रोग्रेस बाय सेंट जॉन एल्विन। जॉन एल्विन का जन्म 1883 में हुआ बेलफास्ट में, और जो मगर उसने अपने जो लाइफ का मोस्टली पार्ट है वह इंग्लैंड में बिताया, और उसने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें ब्रिटिश सेना में सेवा की और एक अपनी टांग गवा दी थी लड़ाई में। ओके, उनका जो फेमस नाटक है, प्ले है, वह है मिक्स्ड मैरिज। ओके, और जॉन इरविन सामाजिक जो समस्याएं होती हैं उन पर विचार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। उन्होंने थिएटर को इन विचारों को प्रसिद्ध करने के लिए प्रयोग किया। द प्ले प्रोग्रेस यह इस बात को स्पष्ट करता है कि जो उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है, वह तबाही की तरफ ले जाती है, वह कोई उन्नति नहीं होती। ओके, ऐसी उन्नति हो ही नहीं सकती जो हमें तबाही की तरफ लेकर जाए। अब एक प्रोफेसर कोरी होता है, वह बहुत ही हार्ड हार्टेड साइंटिस्ट है। उसने एक विनाशकारी बम बनाया है और उसी के बारे में वह उसे बेचना चाहता है। अबाउट दैट यह है प्ले है। तो शुरू करती हैं इसकी समरी। प्रोफेसर हेनरी कोरी जो मिड में हैं 50-60 साल के, वो एक साइंटिस्ट हैं। वह एक ऐसा बम बनाते हैं जो विनाशकारी है, और उसके मीन्स बनाने के लिए उस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। वह अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। वह बहुत ही खुश और एक्साइटेड हैं। वह अपनी बहन श्रीमती मेल्डन को स्टेशन से नहीं ला पाता, और मिसिस मेल्डन वो खुद ही अपने स्वयं ही घर आ जाती हैं। वह शोक में है। वह उसके बेटे एडी को तीसरी बरसी का दिन है, ऐसी एडी युद्ध के टाइम में मैदान में मारा गया था। अब जो उसका पिता है वह बहुत ज़्यादा दुख में मर गया है। ओके, और जो श्रीमती मेल्डन होती हैं वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हैं। तब उसे पता चलता है कि कैसे एक दुश्मन के गोले से उसके प्यारे बेटे का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गया था। कोरी उससे मिलता है, उसको देखकर दुखी होता है, और वह कहता है कि कुछ देर अपनी खोज की खुशी को छुपा लेता है अपनी बहन से। जब वह उसकी आवाज़ सुनता है, वह अपनी बहन को कहता है कि वह अपने लड़के के बारे में ज़्यादा ना सोचे। जीवित व्यक्तियों के लिए जो मृत व्यक्ति है उनके बारे में ज़्यादा सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। फिर जो कोरी है वह अपनी बहन को अपनी खोज के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसने ना एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत नुस्खा ढूंढ लिया है। पहले तो वह इसे अंग्रेज सरकार को बेचने की कोशिश करेगा। अगर सरकार ने उसकी शर्तों को नहीं माना तो वह उसकी इसको किसी विदेश को बेच देगा जो उसे बहुत सारा रुपया देगा। फिर वह कहता है कि उसकी खोज युद्ध की विधि में बिल्कुल क्रांति ला देगी। श्रीमती मेल्डन उससे पूछती है कि क्या यह युद्ध को भी समाप्त कर देगा। कोरी कहता है नहीं, यह तो युद्ध को तीव्र बना देगा। वह कहता है कि युद्ध को और अधिक भयानक और विनाशकारी बना देना चाहिए। इस पर उसकी बहन कहती है कि युद्ध तो पहले ही बहुत विनाशकारी होते हैं। उससे बहुत सदमा पहुंचता है जब उसे पता चलता है कि उसके भाई ने एक बहुत ही विनाशकारी बम बनाया है। वह उत्तेजना में आ जाती है और उसका भाई उसे कहता है कि वह युद्ध के प्रति ऐसा संकुचित सा दृष्टिकोण बिल्कुल भी ना रखे। यह अजीब बात है कि कोरी अपनी खोज को सबसे अधिक मानवतावादी कहता है। वह कहता है कि उसका बम मिनटों में सारी आबादी को तबाह कर देगा, पूरे शहर को मिटा देगा। अब मिसिस मेल्डन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कोरी बहुत बेरहम लगता है। वह कहता है कि उसकी बहन को ऐसी भावुकता भरी बातें नहीं करनी चाहिए, मीन्स ऐसी बातों को करके भावुक नहीं होना चाहिए। जो पक्ष उसके सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा व्यक्तियों को मारता है जीत जाता है। कोरी शेखी मारता है कि इस बम की खोज करके उसने अपने देश की सेवा की है। और जो मिसिज मेल्डन होती है वह अपने भाई को बनाने की बहुत कोशिश करती है। वह अपने नुस्खे को जाहिर ना करे उसे है बोलती है। वह चाहती है कि वह अपनी खोज को नष्ट कर दे, क्योंकि यह है जीवन को तबाह कर देगी। कोरी ऐसा करने से बिल्कुल स्पष्ट मना कर देता है। अब मिसिज मेल्डन को गुस्सा आ जाता है। वह मेज की तरफ जाती है और मेज को उलट देती है। अब जो मेज पर पड़े शीशे के जार हैं वह टूट जाते हैं। अब जो कोरी है अपनी बहन का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बम का नुस्खा तो उसके दिमाग में है। वह उसे कहता है कि वह क्यों पागल बन रही है। वह कपड़ा उठाकर गंदगी साफ करना चाहता है।
वह उस हार को उठाता है जो मिसिज मेल्डन ने अपने लड़के को भेंट करने के लिए लेकर आई है। मिसिज मेल्डन अपने भाई को कहती है कि वह अपनी इस खोज को छोड़ दे, जो कि उसकी लड़की के लिए लड़के के लिए खराब हुए हार से ज़्यादा अच्छा उपहार होगा। अब कोरी फिर से उसकी बातें मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसका विचार बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली भावना दिखा रहा है। अब गुस्से में मिसिज मेल्डन अपने भाई को चाकू मार देती है। वह महसूस करती है कि उसने अपने भाई को मारकर उसने अपने लड़के एडी के लिए सबसे उचित स्मारक बनाया है। ओके, शी फील्स दैट बाय किलिंग हर ब्रदर शी हैज़ मेड द मोस्ट सूटेबल मेमोरियल टू हर सन एडी। प्रोग्रेस।